यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि एमएलसी चुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि प्रधान से लेकर सभी जनप्रतिनिधि भाजपा को ही वोट देंगे। स्थानीय निकाय की 27 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। बीजेपी की तैयारी है कि पहली बार विधान परिषद में बहुमत हासिल हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की लगातार जो हम कहें तैयारी चल रही है। क्या कुछ खास बीजेपी ने किया है इस चुनाव को जीतने के लिए, इस पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि इस बार सबसे ज़्यादा सीटें इस विधान परिषद चुनाव में हासिल करें। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, और अब जो निगाहें हैं वो अगली जो 27 सीटें हैं उस पर हैं, इस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। ये जो 27 सीटें हैं, जहां 27 सीटें जो हैं एमएलसी की, कैसे जीत हासिल? सदस्य विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही जिताना है। हमने हर जगह दौरा करके बात करके पंचायत प्रतिनिधियों से ये जानकारी हासिल की है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी। आप जानते हैं कि उनकी हालत क्या है? लेकिन पहली बार बीजेपी बहुमत में आएगी, आपको लग रहा है विधान परिषद में पहली बार सभी प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत रहे हैं? तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि समस्या चुनाव में बीजेपी के सारे जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतेंगे। कहना है वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। उन्नाव में एमएलसी चुनाव के लिए तैयारी पूरी हो गई है। पोलिंग पार्टियां चुनाव करवाने के लिए रवाना हो गई हैं। उन्नाव में कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उन्नाव में 17 बूथों में मतदान होगा। सभी 16 ब्लॉक के अलावा उन्नाव नगर पालिका में मतदान केंद्र बनाया गया है। उन्नाव में 2683 मतदाता वोट डालेंगे। और एमएलसी चुनाव को लेकर चंदौली में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला मुख्यालय में पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। डीएम और एडीएम समेत तमाम आला अधिकारी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर रहे हैं। चंदौली में कुल 1720 मतदाता हैं, जिनके लिए 9 मतदान स्थल केंद्र बनाए गए हैं। एमएलसी चुनाव वाराणसी में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वाराणसी से माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह उम्मीदवार हैं। भाजपा से डॉक्टर सुदामा पटेल मैदान में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से उमेश प्रधान भी चुनाव लड़ रहे हैं। एमएलसी चुनाव में सीधी लड़ाई भाजपा के सुदामा पटेल और निर्दल उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह के बीच है। यूपी के गोंडा में भी चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गोंडा बलरामपुर मिलाकर 26 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होनी है। गोंडा में 17 और बलरामपुर में 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गोंडा बलरामपुर के जो वीआईपी वोटर हैं वो अपनी नजदीकी ब्लॉक में वोटिंग करेंगे। गोंडा बलरामपुर के 4908 मतदाता एमएलसी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आजमगढ़ मऊ विधानसभा परिषद चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए सभी विकास खंडों और नगर पालिका परिषद परिसर में बूथ बनाकर मतदान किया जाएगा। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। आजमगढ़ में 24 मतदान केंद्रों पर मतदान की व्यवस्था की गई है। हर मतदान केंद्र पर साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है और पूरे मतदान प्रक्रिया को सीसी कैमरे की निगरानी में किया जाएगा। आजमगढ़ में विधान परिषद के लिए 4238 मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। झांसी के बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से पोलिंग पार्टियां बैलेट पेपर और बॉक्स लेकर रवाना हो चुकी हैं। झांसी में कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। झांसी जालौन ललितपुर के एमएलसी चुनाव में कल वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए 37 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। झांसी जालौन ललितपुर विधान परिषद सीट पर 3895 मतदाता वोट डालेंगे।